प्रेम आपके साथ ये सब करता है तो आपका बहुत बढ़िया लव अफेयर चल रहा है उसका आनंद लीजिए आप सोच सकते हैं कि मैं हीरो हूं। मगर वो लड़की उसकी अपनी राय है, आपकी नाक ऐसी हो सकती है कोई फर्क नहीं पड़ता खुशी भरा चेहरा हमेशा एक सुंदर चेहरा होता है सदगुरु जी मेरे कॉलेज में यह बहुत आम है और मेरे और मेरे दोस्तों के बीच भी यह सच है तो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ And... और होता यह है कि मेरे अंदर उससे बात करने का साहस नहीं है और यह एक आत्मसंदेह की तरह है मुझे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं तो इस बारे में क्या करना चाहिए आप एक लड़की से प्यार करते हैं या एक लड़की के प्यार में डूब गए हैं असल में मैं प्यार में डूब गया हूं ओ ऐसा हुआ शराबी बनने से पहले वो शिलोंग यूनिवर्सिटी में था शंकरन पिल्ले और वो पीएचडी कर रहा था और एक दिन वो अपने मेंटर प्रोफेसर के पास गया और बोला सर मुझे एक बहुत जरूरी चीज में आपकी मदद चाहिए तो प्रोफेसर ने कहा हां मैं इसलिए तो यहां हूं बताओ फिर उसने कॉलेज की सुंदर लड़की का नाम लेकर कहा सर मैं पूरी तरह से उसके प्यार में डूब गया हूं मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए मैं उस तरह की चीजों में तुम्हारी मदद के लिए नहीं हूं मैं एकडेमिक मामलों के लिए हूं वो बोला नहीं सर असल में मैं पचास प्रतिशत सफल हो गया हूं आपको बस बाकी पचास प्रतिशत के लिए मेरी मदद करनी है उन्होंने पूछा वैसे पचास प्रतिशत सफलता क्या है वो बोला मैं पूरी तरह से उसके प्रेम में हूं और वो नहीं जानती बाकी पचास प्रतिशत में आपको मेरी मदद करनी है तो बस प्रेम का आनंद लीजिए क्योंकि अब वो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है अगर आप उसे भी पिक्चर में ले आएंगे तो वो इसे अपने हाथ में ले लेगी और मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए मगर जीने की जल्दी में ना रहें। अपने जीवन के इस चरण में देखिए कि खुद को कैसे एक सार्थक जीवन में विकसित करें फिर चीजें एक निश्चित तरह से आपके पास आएंगी अगर आप जीवन में हड़बड़ी करेंगे फिर विकास के दूसरे पहलू में भी रुकावट आएगी क्योंकि आप भावनात्मक रूप से उलझ गए अब तुरंत लड़की कहे कि मैं कल सुबह तुम्हारे साथ आ जाऊंगी फिर तुरंत आपको कोई नौकरी ढूंढनी होगी आपने अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं की आप ऑटो रिक्शा चलाने लगेंगे अरे ये सारी चीजें होंगी प्रेम आपके साथ ये सब करता है तो आपका बहुत बढ़िया लव अफेयर चल रहा है उसका आनंद लीजिए उसे मत बताइए सदगुरु मेरे ख्याल से वे अपने आत्मसंदेह के बारे में भी जानना चाहते थे हालांकि संदर्भ यह था वे मुख्य रूप से आत्मसंदेह के बारे में पूछ रहे हैं देखिए ये आत्मसंदेह नहीं है संदेह उसके बारे में है उसका जवाब क्या होगा संदेह है कहीं ना कहीं जब आपकी बात आती है यह प्रश्न कि मैं किसी चीज के लायक हूं किसी चीज के लायक नहीं हूं आपको यह चिंता नहीं करनी चाहिए आपको हर दिन बस ये देखना चाहिए कि आप उससे बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं जैसे आप अभी हैं और फिर दुनिया जिस तरह से प्रतिक्रिया करती है आपको बताती है कि आप अच्छे हैं या नहीं आपको ये नहीं सोचना है देखिए इसीलिए साल के अंत में एग्जामिनेशन होती है क्यों क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आप एक महान इंजीनियर हैं मगर इम्तिहान के नतीजे आपको बताते हैं <laughs> तो ये भी वैसा ही है आप सोच सकते हैं कि मैं हीरो हूं मगर वो लड़की उसकी अपनी राय है तो उसकी बजाय देखिए कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं कई तरह से ना कि सिर्फ जैसे आप देखते हैं क्योंकि आपके लुक्स को कुछ देर बाद अनदेखा कर दिया जाएगा आपको खुद को बेहतर बनाना होगा खुद को बेहतर कैसे बनाएं? कम से कम आप खुद को एक अच्छा इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह एक अच्छा विचार है दूसरी चीज है बस देखिए बेहतर मतलब क्या वो एक चीज क्या है जो हमेशा लोगों को आकर्षित करती है वो एक चीज क्या है जिससे एक व्यक्ति सुंदर दिखता है वो आपके नाक का आकार या आपकी ठुड्डी का नुकीलापन या आपकी हेयर स्टाइल या कुछ और नहीं है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा सुंदर चेहरा होता है है कि नहीं आपकी नाक ऐसी हो सकती है कोई फर्क नहीं पड़ता खुशी भरा चेहरा हमेशा एक सुंदर चेहरा होता है यह एक चीज कीजिए शायद वो आपसे प्रेम करने लगे बस उठिए और चमकिए अगर आप उठकर चमकेंगे तो हर कोई उसी दिशा में देखेगा है ना गाना सीखिए एक गाना गाइए अगर आप चाहें हम आपको सिखा सकते हैं सिर्फ एक गाना जिससे वो भी प्रेम में पड़ जाए